साइकोलॉजिस्ट हूँ और प्राइवेट प्रैक्टिस में मेरी सर्विसेज हैं पिछले कोई 32 साल से। मैट्रिक्स के प्लेटफॉर्म से ये सर्विस स्टार्ट की गई है कि PCOS के बारे में मालूमात फराहम की जाए हमारी ख़वातीन को, और ये मौका मुनासिब इसलिए भी है कि सितंबर 2022 में PCOS अवेयरनेस मंथ मनाया जा रहा है और जिसके सिलसिले में ये सर्विस दी जा रही है। तो लिहाजा मैं आज चाहूँगी कि मैं ब्रीफली आपको PCOS के बारे में बताऊँ कि ये है क्या। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जो कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है और जो हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी तकरीबन हमारी 40-50% ख़वातीन इस कंडीशन में से गुजरती हैं ज़िंदगी के किसी ना किसी हिस्से में। ज़्यादातर ये चीज़ उस वक्त डायग्नोज की जाती है जब लड़की प्यूबर्टी को पहुँचती है, यानी सन बलूगत जिसको कहा जाता है उस वक्त पहुँचती है। मेन अलामत इस कंडीशन की ये हैं कि अचानक से वेट का बढ़ जाना, माहवारी का वक्त पर ना आना, इरेगुलर साइकिल्स जिसको हम कहते हैं, चेहरे पे एक्ने नमूदार हो जाना, और अगर शादी हो जाए तो फिर उसके बाद प्रेगनेंसी के हवाले से इसमें मुश्किलात का सामना होता है, चेहरे पे गैर ज़रूरी बालों का उग जाना। ये तमाम अलामात हैं जो अगर प्यूबर्टी के टाइम पे बॉडी में आप नोट करें अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की, तो ज़रूर मशवरा दिया जाए उन्हें कि वो गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मशवरा करें, ताकि PCOS की पहले डायग्नोसिस हो जाए मुनासिब टेस्ट करवा के, और फिर उसका प्रॉपर लाइंस पे ट्रीटमेंट शुरू हो सके। तो मेरा आपके लिए मैसेज यही है कि गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मशवरा करने में कोई हार नहीं है। अगर इनमें से कोई भी अलामत आप महसूस करती हैं, सही वक्त पे मशवरा कर लेने से और जिस तरह डॉक्टर की गाइडेंस के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेने से PCOS जैसी कंडीशन से छुटकारा तो नहीं कहूँगी, लेकिन कम अज़ कम उसको कंट्रोल में किया जा सकता है और उसकी अलामत जो है उससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।